अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एट NSM फैमिली फॉर लेटेस्ट अपडेट और अपने सजेशंस देने के लिए भी. तो आज हम एक ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं हिंदी मूवी का जिसका नाम है मलंग. और इस मूवी में है आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर और कुणाल केमू. और ये मूवी को डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने. और ये मूवी आने वाली है 7 फरवरी को. तो मार्क योर कैलेंडर से जरूर देखने चाहिए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के सिनेमाघरों में भी. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. लेट्स स्टार्ट 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 बंद करने के लिए. तुझे पता है हम तीनों एक जैसे हैं, सारे किलर्स, लेकिन तुम लोगों को किसी को मारने में मजा नहीं आता. मेरे लिए जान लेना मेरा नशा है. काफिरा तो चल दिया. हम सबको लाइफ में ना फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जो मन करे वो कर सके. इस सफर के You tell me, तुम्हारे लिए सुकून क्या है? To live life from one high to another, one high to another, one high to another, one high to another, one high to another. साला हम किलर लोग का हार्ट सही जगह पर नहीं होता. मर्डर रिपोर्ट करना है सर. जिसने भी ये किया है वो कोई आम किलर नहीं है. आज का अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है. किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं. और खामोशी कान फाड़. जान लेना मेरी जरूरत है. यहीं तेरी कहानी शुरू हुई थी और आज यहीं खत्म होगी. ये रात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी सर, अभी बहुत कुछ होने को बाकी है. जान लेना मेरा नशा है. जान लेना मेरी जरूरत है. जान लेना मेरी आदत है. जान लेना मेरा मजा है. सब एड़े है इसमें. सब जान लेने में तुले पड़े हैं. फुल ऑन पैकेज है, फुल ऑन धमाका पैकेज है, एक्शन भर भर के दिया हुआ है और ये मूवी देखने में मजा आ जाने वाला है. मिस्ट्री है एक्चुअली क्या चल रहा है, क्योंकि सब में कुछ कुछ ना कुछ है ना, एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट. सबकी अच्छाइयां दिख रही है वहां पर और फिर बाद में उनका दूसरा फेज नजर आ रहा है कि भाई कुछ तो झोल है. दिशा पटानी का भी वो एक अलग ही अलग ही मजा है उसको जान लेने में. हाँ, सभी को जान लेने का कुछ ना कुछ है. जान ले रहे लोगों की शक्ल में मत जाओ, पीछे क्या रहेगा भरोसा नहीं है. आदित्य रॉय कपूर ने क्या बॉडी बना रहा है, फिजिक बहुत सुपर्ब लग रहा है. और अनिल कपूर तो चुम्मा है यार. चुम्मा है सच्ची में, एकदम बनता है बच्चे बम्मा है. एक नंबर है यार, बहुत सही लगता है यार. कूल है, बहुत डायलॉग डिलीवरी इतना ईज के साथ बोलता है, बहुत जबरदस्त लगता है. बस खा लिया और बोल दिया, सुपर्ब लगता है.
और इसमें थोड़ा कहता ऐसा लग रहा है कि थोड़ा साइकोटिक टाइप का पुलिस इंस्पेक्टर है वो, खसके लाइए पुलिस वाला एनकाउंटर करने वाले जो रहता है एकदम वैसा सुपर्ब लगा। लेकिन ट्रेलर देखकर है ना, एक मोहित सूरी की मूवीज में थोड़ा मिस्ट्री रहता ही है, जैसे एक विलन मूवी हो गया वो थोड़ा मिस्ट्री टाइप का था, देन आशिकी 2 थोड़ा बहुत मतलब ऐसा एक एलिमेंट रहता है, और उसका जो म्यूजिक रहता है मोहित सूरी की मूवीज में वो थोड़ा सा मतलब सिमिलर, मतलब एक पता चल जाता है कि आप मोहित सूरी की मूवी देख रहे हो, उस टाइप का एक रहता है म्यूजिक। और जैसा कि ट्रेलर में देखा कि मुझे ऐसा लगा कि पहले पास्ट है आदित्य कपूर का, जिसके अंदर वो गोवा में दिशा पटानी से मिलता है, और शायद दिशा पटानी का मर्डर हो जाता है, डोंट नो कुछ ऐसा तो मुझे भी थोड़ा लगा, लेकिन एंडिंग में दिशा पटानी को देख के लगा ओ नहीं, पर हाँ इस टाइप पर जरूरी नहीं है ना कि वो एंड का ही सीन हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मर गई और ये मुझे भी लगा था ये उसका रिवेंज लेना चाहता है। कुणाल केमू सुपर्ब था ट्रेलर में, पर क्यों था वो नहीं पता, क्यों था क्यों इन द सेंस कि उसका रोल क्या है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ये सब अपने अपने मजे के लिए है, पर क्यों है, क्यों क्यों मारना चाहते हैं ये। ऐसा भी हो सकता है कि दिशा पटानी मर गई और उसका कुछ इल्जाम आदित्य कपूर पे लगे, क्योंकि उसके जेल में भी सीन दिखाए काफी सारे, तो आई गेस वो जेल में था और जेल में उसका सीन भी खाया, वो बाल काटता है, मतलब जेल के वजह से वो ऐसा हो गया। लड़की काटती है आई थिंक, वो काटता है नहीं हीरोइन काटती है, तो सभी पागल है फिर तो मूवी है। दिशा पटानी जिस चीज के लिए इंस्टाग्राम पे फेमस है तो आपको देखने मिल जाए ऑब्वियसली, अच्छी दिखती है नहीं मतलब सोफी से लो मम्मी अनिल कपूर कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया, मजा अच्छा लगा अनिल कपूर, और बाकी भी अच्छा लगे सब, अलग अलग उसमें है अलग अलग ही धुन में सब कैसा लगा? ये वो अच्छा लगा, और हीरोइन भी अच्छी लगी। ये मूवी देख के गोवा बहुत याद आ गया, हम काफी सारी प्लेसेस जैसे वो चर्च वगैरह की प्लेसेस में कितने सारे जगह सभी गए होंगे उस प्लेस पे, तो वो प्लेस में शूट हुआ है तो गोवा याद आ गया, वापस जाना चाहिए। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करो, हम गोवा जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा ट्रैवल, कैसा रहा। हम इस बार ये सोच रहे हैं कि अब हम जल्द से जल्द गोवा जाने का प्लान करते हैं और आपको बताते हैं, और हम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने दोस्तों को भी बताइए कि नए ब्लॉग आने वाले हैं, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखिए हम तीनों को मजे लीजिए और फैमिली के साथ फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है। So, इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, इस पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।